अगली खबर है रिश्वत को लेकर, जहां जिले के निर्माण एजेंसियों में सबसे बड़ी एजेंसी लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को ठेकेदार से 50,000 की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथ उनके ऑफिस में धर दबोचा है। मंगलवार की शाम को शुरू हुई कार्यवाही देर रात तक जारी रही है। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग में सीधी निवासी हल्के सोनी ठेकेदारी का काम करते थे, तो कार्यपालन यंत्री डीके सिंह सभी दस्तावेजों के पूरे होने के बाद भी भुगतान तब तक नहीं करते थे जब तक कि उन्हें 15% कमीशन नहीं मिल जाता था। बताया गया है कि हल्के सोनी का 20 लाख का बिल भुगतान के लिए लगा हुआ था, लेकिन कार्यपालन यंत्री ने कमीशन नहीं मिलने पर रोक लगा रखा था, जिसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस में उन्होंने किया था, जिसकी पुष्टि लोकायुक्त ने करने के बाद मंगलवार को निरीक्षक जियाउल हक के नेतृत्व में टीम भेजकर पकड़ने की योजना बनाया। जैसे ही हल्के सोनी कार्यपालन यंत्री के दफ्तर में पहुंचकर रिश्वत के 50,000 रुपए नगद दिए, उसी समय बाहर खड़ी पुलिस ने उन्हें धर दबोचा है। लोकायुक्त पुलिस ने कार्यपालन यंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री डीके सिंह रिश्वत मांगे जाने के लिए विख्यात हो चुके थे। वे बिना रिश्वत लिए किसी ठेकेदार के बिल को तो पास नहीं करते थे, कर्मचारियों को मिलने वाली एरियर में भी खुलेआम कमीशन मांगने लगे थे, जिसके कारण विभाग के कर्मचारी भी त्रस्त हो गए थे। ठेकेदार तो उनके नाम का गली गली में रोना रो रहे थे। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री की कमीशन खोरी व मनमानी का मामला हाई कोर्ट भी पहुंचा है, जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ने कलेक्टर को जमकर फटकार लगाया है। न्यायालय ने तो यहां तक कह दिया कि उनकी तनख्वाह से काट कर या उनके वाहनों को नीलाम कर दैनिक वेतन भोगी को 2 लाख भुगतान कराएं, अगर 7 दिन में भुगतान नहीं हुआ तो कलेक्टर से उक्त रकम जमा करने को कहा गया है। इसके बावजूद डीके सिंह रिश्वत खोरी बंद नहीं किया और लोकायुक्त के हाथों रंगे हाथ पकड़े गए। उनकी कमीशन खोरी नीति के कारण पूरा विभाग बदनाम हुआ है। शिकायतकर्ता संविदाकार एवं वार्ड क्रमांक 6 के नव निर्वाचित पार्षद हल्के सोनी ने बताया कि वह लोक निर्माण विभाग में टेंडर डालकर सड़क निर्माण सहित अन्य निर्माण कार्यों की ठेकेदारी का काम करता है। लंबे अरसे से काम पूर्ण हो जाने के बाद भी विभाग द्वारा कार्य का भुगतान बिल लगाने पर भी नहीं किया जा रहा था, जिसका कारण पूछने पर कार्यपालन यंत्री द्वारा लंबित भुगतान करने के एवज में 10% की रिश्वत की मांग रखी गई। इसके पूर्व भी अधिकारी विभाग में आए हुए थे, लेकिन उनके द्वारा कार्य के भुगतान के एवज में किसी प्रकार की मांग नहीं रखी जाती थी, किंतु वर्तमान कार्यपालन यंत्री द्वारा संविदाकारों के लंबित भुगतान दिलाने के एवज में मोटी रकम वसूली जा रही थी। प्रताड़ित संविदाकार ने बताया कि 10,000 रुपए रिश्वत की पहली किस्त बतौर उनके द्वारा मांग की गई थी, जिसे दे दिया गया था, लेकिन उन्होंने रिश्वत की अगली किस्त की मांग तय समय में रखी, जिससे प्रताड़ित होकर मैंने लोकायुक्त एसपी के समक्ष अपनी स्थिति को बयान किया, जिस पर एसपी द्वारा कार्यपालन यंत्री पर तय दिनांक पर ही 50,000 की रिश्वत लेते हुए दबिश देकर दबोच लिया गया।